Hi, this is Melody from Home Garden and Fashion. Please welcome to Home Garden and Fashion. First of all, I would like to thank you so much for subscribing to my channel. And please do go to my Facebook fan page and give me a like there if you haven't been there already. This is Melody. So I'm going to do a video English and Hindi together. Namaste. आज मैं हिंदी में वीडियो करने वाली हूँ. ये इंग्लिश के साथ मिक्स है, सो हिंदी एंड इंग्लिश व्यूअर्स बहुत देख सकते हैं. ये रिक्वेस्ट के बाद किया गया है, लोगों ने रिक्वेस्ट किया है मेरे से कि हिंदी में आप गार्डनिंग के वीडियो कीजिए. तो ये मेरी पहली हिंदी वीडियो है. इसमें मैं दिखाऊंगी कि आप टमेटो के पौधे कैसे उगा सकते हैं. टमेटो के पौधे उगाना बहुत ही आसान है. अपने घर में आप बालकनी में उगा सकते हैं, या तो फिर अपने बाहर थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं. इसको उगाने के लिए आपको फ्रेश टमेटो लेनी होगी. जैसे मैंने ये फ्रेश टमेटो ली है, और इस फ्रेश टमेटो को आप काट ले. जबकि आप यूज़ करने के लिए टमेटो काटते हो तो फ्रेश टमेटो से आप ये सीड निकालें. जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ, अभी देखिए ये बड़े से बड़े टमेटो लेंगे तो अच्छा रहेगा. और ये ख्याल रखिए कि आपका टमेटो जो है वो बहुत राइप होना चाहिए. हालांकि इस टमेटो में ज़्यादा सीड नहीं दिख रही है, जो भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगी वो आप रख ले. अब जब आपको उगाना है टमेटो, तो अगर आप पहले से सीड रखें तो उसको ये पल्प से सेपरेट करना होगा और सुखाना होगा धूप में. और अगर आप सीजन पे कर रहे हैं, जैसे कि अभी टमेटो उगाने का सीजन है, तो अभी अभी मैं कर रही हूँ, तो जो मैं सीड इसको निकाली हूँ इसको मैं तुरंत तुरंत सॉइल में दे दूँगी, तो ये एक हफ्ता के अंदर ही आ जाएगा पौधा. सो अब देखिए ये मैंने फ्रेश सीड निकाली. सो अब मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा बोल दूँ. सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो टमेटो प्लांट्स, यू कैन टेक आउट द सीड एंड ड्राई इट इफ इज नॉट इन द सीजन, बट राइट नाउ इज द सीजन फॉर ग्रोइंग टमेटोज. सो यू वुड टेक आउट द फ्रेश सीड एंड पुट इट इन द सॉयल जस्ट लाइक दिस विद द पल्प, बिकॉज दिस वे द टमेटो विल ग्रो फास्टर इफ यू लीव ऑल द सेल्स एंड द पल्प. In fact, you can see some of them already sprouted inside the tomato. So when you pick a tomato, make sure your tomato is very ripe, practically very, very ripe and red. So then it will grow faster. And it's better to start off this tomato plant in a cup rather than directly in the soil in your garden or in your balcony or backyard where you're growing. Because most of the times what happens is bugs or birds, they pick on these seeds and they eat them up. And sometimes we have heavy rain, so the plant is very tiny little, it does not survive. So you have to make sure you use the fresh tomato seed and you put it in a cup to start with little bit of soil. And then when it's 2-3 inches long, then you put it in the garden. सो पहले आप जब ये टमेटो के पौधे को शुरू करोगे तो आप छोटे से ड्रिंक के कप में इसको शुरू करना. और ये जब थोड़ा 2-3 इंच का बड़ा हो जाए तब आप अपने गार्डन में या बालकनी में जहाँ भी आपको डालना होगा वहाँ पे आप डालिएगा. तो अब मैं ये बेसिक दिखा दी हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी सॉयल में कैसे करना है. तो उसके लिए आइए चलते हैं गार्डन में, उसके बाद मैं दिखाऊंगी सॉइल में इसको कैसे देना है. वैसे मैंने बहुत सारे टमेटो के पौधे लगाए हुए हैं और वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जैसे कि 3 इंच से बड़े हो चुके हैं, तो वो मैंने डायरेक्टली गार्डन में लगा दिया. उसकी भी पिक्चर मैं दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी इसको सॉइल में कैसे बोया जाता है. तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि आप टमेटो के पौधे कैसे उगाएंगे. तो जैसे मैंने बताया तो फ्रेश सीड मैंने दिखाई थी, तो ये फ्रेश सीड जो है इसको ऐसे आप डाल दें. अभी तो ज़्यादा बहुत गिर रही है क्योंकि ये टमेटो की सीड जो है ये सारे एक साथ हो गई है, लेकिन ये जब उगेगी तो उसके बाद मैं इसको सेपरेट करूँगी. तो अभी मैंने
बहुत सारे टमेटो के सीड इसमें डाल दिए हैं। अब मुझे कमेंट नहीं लिखना प्लीज़ कि आपने बहुत सारे सीड दिए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने बहुत सारे सीड दिए हैं और जो भी इससे निकलेगा उसी को मैं सेपरेट करूँगी। सो नाउ आई एम पुटिंग द फ्रेश टमेटो सीड्स इन इट एंड आई एम पुटिंग अ लॉट बिकॉज वट एवर कम्स आई विल सेपरेट देम एंड इट्स नॉट अ बिग डील, आई बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ। So don't give me comments saying that you put too many seeds in one pot. I know that. And now I'm going to cover it with soil and water it. And I'll show you some of the plants came out and I transplanted them and they are pretty big. So now all you have to do is water it a little bit and keep it away from the birds and the squirrels, because they tend to eat away the seeds. So I'm going to water them little, not too much, just a little bit. The soil is already wet because it's rained a few days. And I'm going to give you a picture of some of the tomatoes which is already big. See? These tomato plants are already big. ये जो टमेटो के पौधे हैं ये मैंने कई महीने पहले लगाई थी और ये अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए, ये सारे अभी मेरे पास कम से कम 10 टमेटो के पौधे हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं। सो मैं उसकी अपडेट और भी आपको देखती रहूँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सी यू विद अनदर अपडेट्स।